कल गृह मंत्री जी ने रैली करके कुछ चीजें कही और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज है कि गृह मंत्री जी दिल्ली के काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं और ये राजनीति के बदलने का बहुत बड़ा प्रमाण है कि अमित शाह जी को दिल्ली के काम पे चर्चा करनी पड़ रही है। पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बताया था कि किस तरह से जब वो पिछली रैली में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कैमरे दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप दूरबीन लेके मैं ढूंढ लीजिए, दूरबीन हटा दीजिए, जिन रास्तों से आप निकले हैं उनकी बालकनियों के नीचे कैमरे लगे हुए हैं और आपके निकलने की उन रास्तों से उन गलियों में घूमने की फुटेज उस कैमरे में आ गई है, मैंने आपके सामने वीडियो भी दिखाई था। तो उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने दूरबीन हटाई और कल एक रैली में उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कैमरे लगे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लगे हैं, पहली बार उन्होंने माना चलो काम तो हुआ है, कुछ हुआ है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनके पास में और तमाम सूचना देने वाले तंत्र हैं, दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ भी, क्योंकि कैडर कंट्रोल अथॉरिटी वही है, उनको सूचनाएं मिल रही होंगी कि दिल्ली में कुछ नहीं, हमने 1,40,000 कैमरे लगवाने का वादा किया था, 2,00,000 कैमरे लग चुके हैं और 1,00,000 और लग रहे हैं, 3,00,000 कैमरों का लगाने की प्रोसेस चल रही है। हमने कहा था हम 1,40,000 कैमरे, हमने कहा था हम कैमरे लगवाएंगे, तो जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा 1,40,000 लगेंगे, आज 2,00,000 कैमरे लग चुके हैं और लगभग 1,00,000 कैमरे और रोज उसमें संख्या बढ़ती जा रही है हर गली में। तो मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप तो गृह मंत्री हैं, आपके पास सूचनाओं का पूरा तंत्र है, आप अपडेट कर लें। ये अच्छा नहीं लगता है कि देश के गृह मंत्री पहले दूरबीन लेके चले और कैमरे आसमान में ढूंढे, फिर उनको बताया जाए कि कैमरे आसमान में नहीं है साहब, दूरबीन की ऊंचाई पे नहीं है, आप अपनी 2-3 फीट ऊपर ही देख लीजिए, छत पे मिल जाएंगे, बालकनी के नीचे मिल जाएंगे, लोगों के छज्जे पे मिल जाएंगे, दीवारों पे मिल जाएंगे। फिर ये भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बैठ के बताऊं कि नहीं साहब कुछ नहीं लगे हैं, 2,00,000 लग चुके हैं। उन्होंने कल एक चीज और कही कि एक भी स्कूल नहीं बना, तो मैं गृह मंत्री जी को पहले तो अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में इन्वाइट करता हूं, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वहां पर कोई रोड शो कोई रैली करने आएंगे। तो मैं नोट करवाना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि गृह मंत्री जी अपना रोड शो जरा खिचड़ीपुर गांव की तरफ से निकाल लीजिएगा, वहां पे एक ऐसा सरकारी स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा जो ना सिर्फ नया है, बल्कि मैं चुनौती देता हूं अपने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से भी पूछ लीजिएगा कि उस जैसा कोई स्कूल उन्होंने कहीं किसी राज्य में बनवाया है बीजेपी वालों ने, जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने बनवाया, उस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। आप प्लान कर लीजिए, अपना रोड शो उधर से प्लान कर लीजिए, आप जरूर जाएंगे उधर, आपको जाना भी चाहिए, आप चुनाव प्रचार में जाएंगे। या फिर मैं कहता हूं कि आप दिल्ली का कोई भी इलाका मुझे बता दीजिए, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, जिस इलाके में आप चलना चाहें मैं आपके साथ चलता हूं। गृह मंत्री जी आपको मैं स्कूल दिखा देता हूं, मुझे नहीं पता कि आप स्कूल खुली आंख से देख रहे हैं या दूरबीन लेके देख रहे हैं आसमान में, पर दिल्ली में स्कूल नए भी बने हैं और पुराने स्कूल भी बहुत शानदार बने हैं। आप बस बता दीजिए कि दिल्ली के किस कोने में आप चलना चाहते हैं, मैं चलता हूं आपके साथ गृह मंत्री जी, चलिए।